नमस्कार दोस्तों, दास्तान कुछ अपनी कुछ आपकी के यूट्यूब चैनल पे मैं नितेश मिश्रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कहानी पर आने से पहले मैं आपको चंद लाइनें सुनाना चाहता हूँ जो कहानी से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। तो वह लाइन कुछ इस तरीके से है, यह दुख भरी दास्तां किसको सुनाऊं, यह दुख भरी दास्तां किसको सुनाऊं, धरती चीर कर या आसमां फार के बताऊं। कोई चेहरा देखकर क्या अनुमान लगाएगा, कोई चेहरा देखकर क्या अनुमान लगाएगा, यह मुस्कुराता चेहरा देख तब मान भी जाएगा। भला इसको क्या तकलीफ हो सकती है, भला इसको क्या तकलीफ हो सकती है, अच्छा वाला दिखता चेहरा क्या आप बीती बताएगा। यह दुख भरी दास्तां किसको सुनाऊं, धरती चीर कर या आसमां फाड़ के बताऊं। तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे मिर्ज़ापुर में घटित होती है। आज से ठीक 7-8 साल पहले 2015 की कहानी है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे मिर्ज़ापुर में रवि और प्रिया नाम का एक जोड़ा रहता था। वे बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और आखिरकार उन्हें प्यार हो गया। वे अविवाहित थे और कस्बे में हर कोई उनके रिश्ते के बारे में जानता था। एक दिन प्रिया लापता हो गई और रवि को देखने ही वाला आखिरी व्यक्ति था। पुलिस को बुलाया गया और गुमशुदगी की जांच शुरू की गई। रवि से काफ़ी पूछताछ की गई लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह प्रिया को खोजने के लिए बेताब था। दिन बीतते गए और प्रिया का कोई पता न चला। शहर सदमे में था और हर कोई जानना चाहता था क्या हुआ है। कि एक हफ्ते बाद पास के जंगल में एक लाश मिली। वह प्रिया की लाश थी। पुलिस ने तुरंत रवि पर शक किया और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रवि सदमे में था और विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है। वह जानता था कि प्रिया की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और भी सबूत सामने आए, पुलिस को पता चला कि रवि के पास हत्या का मकसद था। प्रिया को हाल ही में विरासत में बड़ी रकम मिली और रवि कर्ज में डूबा हुआ था। वह प्रिया पर पैसे देने का दबाव बना रहा था लेकिन उसने मना कर दिया। पुलिस को रवि के कपड़ों पर प्रिया के खून के निशान भी मिले, जिसके बारे में उसने दावा किया कि यह नाक से खून आया था। हालांकि सबूत बहुत मजबूत थे और रवि पर प्रिया की हत्या का आरोप लगाया गया था। पूरे मुकदमे के दौरान रवि ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी, लेकिन सबूत बहुत मजबूत थे। उन्हें हत्या का दोषी पाया गया और जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शहर सदमे में था और कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि उनका प्यारा जोड़ा इतने दुखद तरीके से समाप्त हो गया था। साल बीतते गए और रवि ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में अपना समय जेल में बिताया। आखिरकार सबूत का एक नया टुकड़ा सामने आया जिससे रवि की बेगुनाही साबित कर दी। यह पता चला कि असली हत्यारा प्रिय का कोई करीबी था जो रवि के साथ के रिश्ते से हिस्सा करता था। रवि को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतने साल सलाखों के पीछे ऐसे अपराध के लिए बिताए जो उसने किया ही नहीं था। वह मुक्त होने के लिए आभारी था लेकिन वह अपने जीवन के प्यार प्रिया को कभी भूल नहीं सकता था जिसे उसने इतने दुखद तरीके से खो दिया था। तो हमारी कहानी कुछ इस तरह से खत्म होती है और आगे नई कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, दास्तां कुछ अपनी कुछ आपकी के यूट्यूब चैनल पे मैं नितेश मिश्रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कहानी पर आज आने से पहले मैं आपको चंद लाइनें सुनाना चाहता हूँ जो कहानी से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। तो वह लाइन कुछ इस तरीके से है कि यह दुख भरी दास्तां किसको सुना।